सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है हाँ जी सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है हाँ जी सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चले स्टार्ट करते हैं फाइनली हम लोग थोड़ा लेट भी हो चुके हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग आज के करंट अफेयर्स की ओर प्रस्थान करते हैं और बहुत सारी चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करश्मा जी भूरी जी मनोज जी भगवती जी सभी को गुड मॉर्निंग अनिता जी मीना चेतन दीप दीप वाश वाष्ले जी चलिए सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए शुरू करें हम लोग तो आज जो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले देखिए डेली आपका शाम में जो सेशन लग रहा है बिल्कुल ये सारे क्लास को आप लोग अटेंड किया करिए क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही है ये केवल आपके लिए चल रही है और हमारा मेन टारगेट या पर्पस यही होता है कि चीजों को आप अच्छे से उसको रीड करो ठीक है चले स्टार्ट करते हैं और फिर बात करते हैं इनके बारे में कि आज की क्या क्या हम लोग न्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है <coughs> चलिए जी ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है सेशन को एक बार जरूर सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ये डेली क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है और ये क्लासेस आपका पर डे शाम में आपको छह बजे से बल्कि चार बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है और लगातार आपको दस बजे रात तक क्लासेस चलती है जिसमें कंप्यूटर हो गया सामान्य प्रबंधन हो गया उसके बाद अगर हम बात करें तो रीजनिंग की भी हो गई हिंदी का भी हो गया और मैथ्स के हो गए और 29 नवंबर से अगर अभी तक आप लोगों ने परचेज नहीं किया है तो कोर्स को बिल्कुल परचेज करिए क्योंकि 29 नवंबर से हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल आप इसके फायदे उठा सकते हैं और मैथ्स भी हमारा चल रहा है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान की भी क्लासेस हमारे यहाँ चल रही है और 29 नंबर से ये सारी क्लासेस आपका प्रारंभ हो जाएगा तो जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करें चलिए इसी बात पर वॉइस नहीं आ रही है कि वॉइस आ रही है एक बार कमेंट करके बताइए सभी को वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है हाँ जी सभी लोग एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा वॉइस आ रही है क्या एक बार अप लगाइएगा वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है एक बार आप लोग जरूर बताइएगा हमें ठीक है हाँ जी वॉइस आ रही है ऐसे मुझे तो मोबाइल में तो वॉइस आ रही है अगर देखा जाए तो मोबाइल में तो बिल्कुल वॉइस आ रही है एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा हाँ जी वॉइस क्लियर है अनिता जी भगवती जी एक बार आप अपना मोबाइल को चेक करिए हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम आ रही हो बाकी यहां से तो सब क्लियर है ठीक है हाँ जी क्लियर है सबको चलिए वॉइस आ रही है सबसे पहली चीज ये है कि रैपिड फार्म हम लोग पढ़ते हैं कल भी हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था बोला कि सोन जल दो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला एक वार्षिक युवा उत्सव है और हर साल इसे मनाया जाता है सोन जल के नाम से और सोन जल के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है जिसमें क्या होता है कि युवाओं को

किस राज्य में डल झील है तो ये आपके पास कहां पर है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के वहां के धारा 370 हटने के बाद जिसे हम लोग आर्टिकल 370 बोलते हैं तो धारा 370 2019 में हटने के बाद वहां पर जो पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो वहां के गवर्नर है वो कौन है तो याद रखेगा ये सबसे ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है मनोज सिन्हा तो मनोज सिन्हा जो है वो वहां के कौन है ये यहाँ के अभी हेड है मतलब गवर्नर है ठीक है मनोज सिन्हा और मनोज सिन्हा के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से ये धूमधाम से मनाया जाता है और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि उसकी राजधानी कहां पर है जम्मू और मैंने कल भी बोला था जम्मू और श्रीनगर ये दो चीजें आप लोग याद रखिएगा इनके दोनों कैपिटल है जम्मू कैपिटल है और श्रीनगर कैपिटल है दोनों है ठीक है क्योंकि लद्दाख जो है एक अलग यूनियन टेरिटरी राज्य को घोषित किया गया ठीक है अगला पूछा गया राष्ट्रीय दूध दिवस हम लोग कब मनाते हैं तो किस व्यक्तित्व के जयंती पर मनाते हैं तो हर साल हम लोग 16 छब्बीस नवंबर को मनाते हैं और छब्बीस नवंबर 1921 को इनका जन्म होता है जिसे फादर ऑफ वाइट रेबुलेशन कहते हैं मैंने सफेद क्रांति के जनक जो सफेद क्रांति है हमारे देश में जो सफेद क्रांति चली थी सफेद क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं और ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड या इसी को बोलते हैं ऑप्लैड मतलब होता है बाढ़ तो ऑपरेशन बाढ़ के नाम से भी ये जाना जाते हैं वो कौन है वर्गीस कुरियन और वर्गीस कुरियन एक फेमस पर्सनलिटी है कुरियन। और मैंने कल भी इनके बारे में आपको दिखाया बताया था पूरा डिटेल में वर्गीस कुरियन जो है हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस पर्सनलिटी है और छब्बीस नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं तो संविधान दिवस भी हम लोग कम मनाते हैं छब्बीस नवंबर को ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा एक की शुरुआत दो हजार चौदह से की गई और दूसरे की शुरुआत 2015 से की गई 2014 से हम लोग राष्ट्रीय दूध उत्पादन दिवस या दूध दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय है। दूध दिवस हम लोग कब मनाते हैं ये मनाया जाता है 2014 से और 2015 से हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसमें पूरी तरह से डिक्लेयर किया गया है इन दोनों के पर्सनालिटी यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपनी पूरी मतलब तो अन मन धन बोलते हैं ना सारा निछावर कर दिया था देश के प्रति और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केवल संविधान ही बनाने में उनका योगदान नहीं रहा है उनका योगदान सबसे ज्यादा अगर कहीं पर रहा है तो वो सबसे ज्यादा संविधान के साथ साथ इन्होंने जो हमारे देश में बैंकिंग को सुचारू रूप से चलाए जा सके उसके लिए भी इन्होंने काम किया ठीक है तो इसके लिए आप बिल्कुल आप लोग अच्छे से माइंड में सेटअप रखिएगा कि ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं उसके बाद एम एस स्वामीनाथन तो एम एस स्वामीनाथन का नाम सुना होगा इनको हरित क्रांति के जनक बोलते हैं एस स्वामीनाथन हरित क्रांति का आपने नाम सुना होगा हरित क्रांति अगर देखा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो एम एस स्वामीनाथन जी का नाम सुना होगा एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं और चौधरी चरण सिंह ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी थे और मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें तो मोरारजी देसाई भारत के ऐसे मतलब वित्त मंत्री हैं जो सबसे ज्यादा बार फाइनेंस मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड है तो वित्त मंत्री अभी तक में सबसे ज्यादा अगर वित्त मंत्री सबसे ज्यादा बार अगर बने हैं तो सबसे ज्यादा बार वित्त मंत्री कौन बने हैं मोरारजी देसाई जो सबसे ज्यादा फेमस थे ठीक है तो इनके भी नाम आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा ठीक है ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक किसको बोलते हैं हम लोग तो एम एस विश्वामीनाथन को बोलते हैं भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण अभी कहां पर ओपन गया तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण जो है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट स्काई अभ्यारण और लगभग सबसे हाइएस्ट पिक पर यह अभ्यारण को रखा गया है और ये कहां पर है भाई साहब तो यह लद्दाख में तो लद्दाख में है जहां की राजधानी कहां पर है ले और ले लद्दाख का आपने नाम सुना होगा यहां की राजधानी है ले। और ले की जब हम बात करते थे यहां के जो गवर्नर हैं वो कौन है आर के माथुर और आर के माथुर साहब जो हैं ये यह यहां के कौन है गवर्नर हैं तो बिल्कुल आप लोग याद रखेगा प्योंगेंग लेक का नाम सुना होगा आपने और लद्दाख भी एक अपने आप में जबरदस्त बोला जाता राज्य है जहाँ पर कारगिल गांव का आपने नाम सुना होगा वो कारगिल भी कहाँ पर है लद्दाख में स्थित है ठीक है चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं अगला बोला गया भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो छब्बीस नंबर को हर साल हम लोग छब्बीस नंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और एक दिवस को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ एड्स डे मनाते हैं एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं एक दिसंबर को मनाते हैं तो ये भी अभी आने वाला है वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग ठीक है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बोला गया हाल ही में बताइए हाल ही में बताइए अरिता पट्टी अरिता पट्टी गांव को निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया अब जैव विविधता की हम बात करते हैं बायो और जब आप बायो डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडायवर्सिटी में इनको शामिल किया गया है जिसको हम लोग आपने रामसर साइट का नाम सुना होगा जिस तरह से रामसर साइट घोषित किए जाते हैं उसी तरह से रामसर साइट जैसे घोषित किया जाता है और अभी भारत में टोटल पचहत्तर रामसर साइट है उसी तरह बायोडाइवर्सिटी एक जगह घोषित किया जाता है जहां पर स्पीसीज मतलब खास करके जो पक्षी हो गए वहां के आसपास की नेचुरल जो प्रकृति से जो जुड़ा हुआ रहता है जलवायु के साथ हमारा परिवर्तन ना हो और हमारे पास जो जीव जंतु के लिए जो वहां पर रहने का आसपास में जो हो उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी में रखते हैं और ये किस राज्य में अभी इसको घोषित किया गया और सीधी सी बात है भारत में ये जो गांव है जैव विविधता के लिए जाना जाता है जहां पर सभी चीजों का संरक्षण दिया जाता है जो पक्षी वगैरह होती है उनको भी संरक्षण यहाँ पर दिया जाता है और ये कहाँ पर है तमिलनाडु और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो आपने इनके बारे में बहुत नाम सुना होगा जब भी हम तमिलनाडु की बात करते हैं भाई साहब तो तमिलनाडु की राजधानी कहां पर है चेन्नई और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है चेन्नई इसकी राजधानी है और यहाँ के जो सीएम है वो एम के स्टेलिन यहाँ के सीएम है एम के स्टेलिन का नाम सुना है एम के स्टेलिन यहाँ के सीएम है और आर एन रवि दोनों के शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा और आर एन रवि यहाँ के कौन है गवर्नर गवर्नर यहाँ के आर एन रवि हैं और सीएम यहाँ के एम के स्टेलिन है तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि अभी जो तमिलनाडु में बायोडाइवर्सिटी गांव बनाया गया जिसका नाम है अरिता पट्टी और जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर सबसे ज्यादा फेमस एक फेस्टिवल होता है जली कट्टू का आपने नाम सुना होगा तो जलीकट्टू जो है वहां का बहुत ही जबरदस्त बुल फाइटिंग एक तरह से माना जाता है त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और ये गांव को अभी क्या घोषित किया गया है जैव विविधता तो वन्य जीव अभ्यारण के रूप में मतलब जो वहां के वन्य जीव होते हैं उनको उनके लिए ये सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है अब जब पट्टी जाइएगा तो यहाँ पर अलग ही एक माहौल मिलेगा जहां पर गाँव को पूरी तरह से स्पीसीज वगैरह से लगे रहते हैं ठीक है तो एम के स्टेलिन वहां के कौन है तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखियेगा यहाँ पर लगभग बोला था एक सौ तिरानवे हाँ जी एक सौ तिरानवे पॉइंट टू वन फाइव हेक्टेयर मतलब जो यहाँ की लैंड है एक सौ तिरानवे पॉइंट टू वन फाइव हेक्टेयर जो लैंड है ये पूरी तरह से जैव विविधता के रूप में घोषित किया गया और सरकार वहां पर क्या दे रही है उसको संरक्षण दे रही है ये कब से दिया जाता है तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ एक कानून बना था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डायवर्सिटी एक एक्ट एक हमारे पास 2002 में आया था और इसी के तहत जो है जहां पर भी ऐसी कुछ संरक्षण आपको दिखती है तो उसको इसके अंदर क्या कर लिया जाता है शामिल कर लिया जाता है ठीक है और इसीलिए यहां पर देखा जाए तो बोला गया कि लगभग यहाँ पर बहत्तर मतलब कि लेख और 200 से नेचुरल यहाँ पर जो देखा जाए तो बहत्तर लगभग लेख है जो सबसे ज्यादा नेचुरल इसमें बसे हुए हैं ठीक है चलिए तो अगर हम थोड़ी सी बात करें तमिलनाडु के बारे में तो साउथ इंडिया का बहुत ही समृद्ध राज्य बोला जाता है और तमिलनाडु जो है यही एम के स्टैलिन है अगर नाम सुनिए तो फोटो देखिए यही एम के स्टैलिन है और एम के स्टालिन जो है वहां के अभी कौन है सीएम है ठीक है और वहां की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है एक रामा रामानाथ स्वामी तो रामानाथ स्वामी एक कॉरिडोर है जिसको सबसे बड़ा कॉरिडोर बोला जाता है और यहां देखा जाए तो रामानाथन स्वामी टेम्पल को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है तो रामानाथन स्वामी टेम्पल जो है ये सबसे ज्यादा देखा जाता है और ये कहां पर रामेश्वरम में ये सबसे ज्यादा बोला था वर्ल्ड में लॉन्ग कॉरिडोर के लिए से जाना जाता है उसके बाद गेम ऑफ डेयर डेबिल्स तो गेम ऑफ डेयर डेबिल्स का हमने बोला था जलीकट्टू फेस्टिवल होता है जहां पर बुल के साथ फाइटिंग किया जाता है ये सबसे फेमस है उसके बाद रामास्वामी जो टेम्पल है ये अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है और देखा जाए तो यहाँ पर जो भक्तगण होते हैं ये सबसे ज्यादा आते हैं विजिट करने के लिए उसके बाद हाल ही में वहां पर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तो वहां पर एक बनाया गया विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये आप लोग अगर कभी तमिलनाडु जाते हैं तो इसके लिए भी ये सबसे ज्यादा फेमस है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और ये देखा जाए तो भारत में ये कहाँ पर है थी? ये आ, समुद्र के किनारे है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो सबसे ज्यादा साउदर्न एरिया जो कहलाता है वहां पर यह बसा हुआ है उसके बाद आपने कांजीवरम का नाम सुना होगा साड़ी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और साड़ी में आपने नाम सुना होगा कि लगभग देखा जाए तो कांची बड़म जो साड़ी होती है कांचीपुरम बोलते हैं सिल्क साड़ी होती है और वहां पर कांचीपुरम जो साड़ी होती है इसका सबसे ज्यादा डिमांड होता है तो इसी को हम लोग कांचीपुरम बोलते हैं और इसी को कांची बड़म भी लोग बोलते हैं ये साड़ी सबसे ज्यादा फेमस है तमिलनाडु का ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करें एंशियंट में अगर देखा जाए तो बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना लैंग्वेज भी कहां पर खोज किया गया था तमिलनाडु में ही किया गया था उसके बाद अगर देखा जाए तो पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो वार पाथ जो होता था वो कहाँ पर था तमिलनाडु में ही था ये वार वर्ल्ड जो बोला जाता है चेन्नई में यहाँ पर इसे बनाया गया था उसके बाद बोला जाता है ऑटोमोबाइल मेकर एशिया में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसमें तमिलनाडु सबसे ज्यादा अपना टॉप टॉप पर रहता है, है? ठीक तो ऑटोमोबाइल में ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को ह्यूमन ऑर्गन की जरूरत पड़ती है तो उसमें तमिलनाडु का नाम सबसे टॉप पर होता है जो डोनेट करते हैं ठीक है उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगला हमसे पूछा गया कि बताइए कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर ध्यान से सुनिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर नवंबर 2022 में सीपीडी सीडीपी सीडीपी का मतलब होता है एक तरह से जो सस्टेनेबल बोलते हैं ना एक तरह से जो सबसे टॉप लेवल पर खास करके इन्वायरमेंटल के लिए दिया जाता है और सीडीपी जो हमारा है एक तरह से डेवलपमेंट एक रिपोर्ट है एक एजेंसी है जिसने एक रिपोर्ट दिया है और उसमें बोला गया है कि बताइए वो कौन सा शहर है जो सूची में शामिल होना वाला पहला भारतीय शहर बन गया और ये अभी सी की अगर हम बात करें तो आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि जलवायु परिवर्तन जो हमारा हो रहा है है उसके कारण अभी एक मीटिंग चल रही है। और आपने कोप 27 का क्लाइमेट का सीडीपी का मतलब होता क्लाइमेट डेवलपमेंट जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया गया और अभी एक मीटिंग हमारे पास हो रहा है कोप 27 और कोप 27 ये कहां पर हो रहा है इजिप्ट में हो रहा है और ये इजिप्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो सम्मेलन हो रहा है तो उसी में एक शहर का पूरा क्या किया गया एक मीटिंग लाया गया और बोला गया कि फिफ्थ एनुअल सिटीज रिपोर्ट में तो फिफ्थ एनुअल सिटीज रिपोर्ट में भारत का एकलौता शहर है और वो कौन सा शहर है जो सबसे बेस्ट इसमें घोषित किया गया वो है मुंबई और मुंबई शहर को इसमें शामिल किया गया सीडीपी बायोडाइवर्सिटी में याद रखिएगा सबसे ज्यादा ये फेमस रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट अभी जो दिया गया सी के द्वारा दिया गया और फिफ्थ एनुअल रिपोर्ट है जिसमें लगभग बोला जाता पूरे दुनिया का 122 शहर को इसके अंदर रखा गया था और 122 शहर में मुंबई को इसमें चूज किया गया है तो भारत ये भारतीय पहला शहर बन गया है, जिसकी सूची में इन्हें शामिल किया गया ठीक है क्लियर है अगर देखा जाए तो भारत का इसे देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर सिटी बोला जाता है भारत की सबसे जनसंख्या वाला अगर कोई शहर है तो भारत की सबसे जनसंख्या वाला शहर के नाम में मुंबई आता जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है और पूरे विश्व भर में अगर मुंबई की रैंक की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में मुंबई का जो रैंक है वो कितने नंबर पर आता है तो पूरे वर्ल्ड भर में मुंबई का जो रैंक है वो भाई साहब आता है कितने नंबर पर सेवंथ नंबर पर भारत में ये पहला सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला मोस्ट जनसंख्या सबसे ज्यादा घनत्व यानी जनसंख्या वाला शहर घोषित किया गया इससे ज्यादा जनसंख्या जो है और किसी जगह पर नहीं है कहां पर मुंबई और मुंबई की जब हम बात करते हैं तो तीन भागों में आपसे बोला भी जाता मुंबई में तीन भागों में समुद्र तट है तो सोचो चार भाग में से तीन भागों में समुद्री तट इसमें है इसलिए आप कभी जाइएगा तो तीनों भाग में आपको समुद्री दिखेगा और यही हमारा गेटवे ऑफ इंडिया तो गेटवे ऑफ इंडिया है जो ताज होटल के जस्ट अपोजिट में आप जब जाएंगे ताज होटल ओबरॉय होटल जस्ट इसके अपोजिट में है जहां पर इसको घोषित किया गया और मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता अगर कोई पूछ लिया जाए मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी बोलते हैं इसे भारत का क्या बोला जाता है तो भारत का इसे वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है वित्तीय राजधानी के रूप में जानते हैं और मुंबई में ही एक फेस्टिवल बहुत फेमस होता है जिसमें यह क्वेश्चन पूछा भी गया था वो हमारा एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया वह है काले घोड़े का फेस्टिवल और काले घोड़े का फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है तो काले घोड़े का त्योहार जो फेस्टिवल है ये भी मनाया जाता है मुंबई में ही ठीक है तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा तो अभी इनके टॉप उसमें शामिल किया गया ठीक है और अलग अलग शहरों में इन्वायरमेंटल एक्शन टेंडेंसी में इनको दिया गया मतलब सीधी सी बात है कि जो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर रखा जाता है वो मुंबई को रखा जाता है और मुंबई महाराष्ट्र की क्या है भाई साहब तो राजधानी है तो मुंबई किसकी राजधानी है महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की ये राजधानी है और देखना इसका सबका ड्रीम होता है कि भाई साहब एक बार मुंबई शहर तो जाए मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम सुना होगा तो ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सी जो है इसे भारत का पहला मतलब मुंबई का जो रेलवे स्टेशन बोला जाता है जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला ये पहला हमारा शहर है ठीक है जिसको शामिल किया गया क्लियर कि है सो काले घोड़े का फेस्टिवल वहां पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इसलिए आप याद रखिएगा और जब हम बात करते हैं यहां पर भाई साहब तो महाराष्ट्र में कौन सी है सीएम तो एक नाथ सिंधे तो एक नाथ सिंधे जो है ये कौन है भाई साहब एक नाथ सिंधे जो हैं ये अभी वहां के कौन है तो सीएम है तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा एक नाथ सिंधे कहाँ के सीएम है तो ये हैं भाई साहब कहाँ के महाराष्ट्र के और भगत सिंह कोशियारी तो इनके भी नाम याद रखिएगा वहां के गवर्नर वहां के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोशियारी तो भगत सिंह कोशियारी जो है ये यहाँ के कोने गवर्नर है इनका नाम याद रखेगा बाकी ऑरेंज सिटी के नाम से सबसे ज्यादा फेमस कौन है जी सभी को गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। इंस्टीट्यूट है जिसने अभी हाल ही में बहुत ही जबरदस्त न्यूज है कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने अमंग टॉप 50 मतलब सीधी सी बात है टॉप 50 ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंप्लॉयिलिटी रैंकिंग में हायर इसमें एजुकेशन में आया है मतलब द हायर एजुकेशन टाइम्स की अगर हम बात करें तो द हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा टॉप पर मतलब इम्प्लॉयबल का मतलब ये होता है जो इंप्लॉय सबसे ज्यादा जनरेट करती है मतलब अगर वहां से कोई पास आउट होकर निकलता है तो उनके जॉब निश्चित दिए जाते हैं तो ये आपको जो दिया गया है और इसमें सबसे टॉप नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें आई दिल्ली है आई दिल्ली को रखा गया है जो टॉप लेवल की संस्था है और शीर्ष फिफ्टी में देखा जाए तो एकमात्र मतलब, एक मतलब जो टॉप फिफ्टी में जो एकमात्र मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो आई दिल्ली को रखा गया ठीक है हाँ जी नागपुर भी है बिल्कुल बिल्कुल नागपुर भी है नागपुर को भी हम लोग ऑरेंज सिटी के नाम से जाने जाते हैं बिल्कुल हमें पता चले सभी को कम से कम इतना चीजें तो बिल्कुल क्लियर है तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आई दिल्ली को एक एकलौता ये यूनिवर्सिटी है जिसको यहाँ पर द टाइम हायर एजुकेशन में अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में इसका 28वें नंबर पर रखा गया अट्ठाईसवें नंबर पर है और टॉप नंबर पर कौन है अमेरिका देखो हमेशा एजुकेशन में देखना एम आई टी है वहां का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका एम आई टी जो यहाँ पर नंबर वन पर है और हमेशा एम नंबर वन पे रहता है और यहाँ पर जो नंबर वन पर रहा है वह है आई आई टी डेली हालांकि देखा जाए तो ये पहली बार ऐसा होगा कि आई टी डेली जो है टॉप फिफ्टी के अंदर में वो भी जॉब जनरेट करने में इम्प्लॉबिलिटी मतलब क्या होता है रोजगार जहां पर रोजगार सृजन किया जाता है उसको एम्प्लॉबिलिटी बोलते हैं मतलब सौ प्रतिशत लोगों का सिलेक्शन होना उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो आईआईएससी तो आईआईएससी हमारे यहाँ बेंगलुरु में है जो कि बेंगलुरु में आई है और ये इसकी भी रैंक अलग है आई इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोलते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की अगर हम बात करें तो इनकी रैंक जो लगी है भाई साहब अंठावन फिफ्टी नंबर पर है फिफ्टी नंबर पर इनका रैंक लगा 58, और बहत्तर नंबर पर आई बॉम्बे सेवनटी नंबर पर कौन है आई बॉम्बे तो आई बॉम्बे की अगर कोई बोल दे सेवेंटी टू नंबर की है अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने दुनिया के कितने यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया था तो ग्लोबल लेवल पर टॉप अगर देखा जाए तो 250 यूनिवर्सिटी जो रोजगार की लायक है उसमें शामिल किया गया था और उसमें जो है टॉप फिफ्टी के अंदर में अट्ठाईसवें नंबर पर जो मोस्ट सक्सेसफुल दिखाया गया वो आई दिल्ली है तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा ये चर्चे में है क्लियर है सबको तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा देश की पहली एकीकृत रॉकेट डिजाइन किया गया मतलब सीधी सी बात है भाई साहब ये मान के चलिए इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड समझ रहे हैं क्या होता है इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जो रॉकेट को डिजाइन किया गया था एकीकृत रॉकेट डिजाइन जो हमारे पास किया गया ये भाई साहब किसके द्वारा किया गया है तो ये किया गया है आ, एक ही राज्य हुआ तेलंगाना और तेलंगाना में इसको डेवलप किया गया रॉकेट स्पेस रॉकेट जिसका नाम है स्काई स्काई रूट रूट और ही है जो अभी हाल ही में आपने सुना होगा रूट ही है जिसने एरो स्पेस है जिसने अभी अपना विक्रम विक्रम जो प्राइवेट एक अपना मिसाइल लॉन्च किया था विक्रम के नाम से आपने सुना होगा विक्रम जो है ये प्राइवेट ये पहली ऐसी एरो स्पेस है जिसने अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया था विक्रम नाम से सैटेलाइट को लॉन्च किया था और ये प्राइवेट स्काई रूट और ये है कहाँ की तो तेलंगाना और तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है भाई साहब तो हैदराबाद तो हैदराबाद इनकी क्या है राजधानी है हैदराबाद याद रखिएगा तेलंगाना और तेलंगाना में मतलब ये देश की पहली सीधी सी बात है इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन है जिसने वहां पर एक स्टार्टअप के जरिए इन्होंने उसको डेवलप किया तो ये अपने आप में काफी सराहनीय है जो सबसे ज्यादा चर्चे में क्लियर है हाँ जी सभी को गुड मॉर्निंग जो लोग लेट से जुड़े हैं भाई साहब उनको भी गुड मॉर्निंग है तहे दिल से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है अब देखो इतने लोग देख रहे हैं लेकिन सेशन लाइक नहीं कर रहे हैं सबसे पहले फटाफट सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करिए और हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं सुबह सात बजे से आपके साथ में तो एक लाइक तो बनता है और हमेशा चेहरे पर मुस्कान भरिए बाकी दिन की शुरुआत अगर करंट अफेयर से कर लेते हैं तो सब हो जाएगा चलिए फटाफट सभी लोग एक बार लाइक करिएगा हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ललिता जी सभी को गुड मॉर्निंग तो तेलंगाना की राजधानी वहां पर के चंद्रशेखर राव का आपने नाम सुना होगा तो के चंद्रशेखर राव जो है वहां के कौन है सीएम है के चंद्रशेखर राव के चंद्रशेखर राव जो है वहां के सीएम है अगर आपसे पूछा जाए और दूसरी चीज है इसकी ये अलग कब हुई थी तो याद रखिएगा 2014 में ये अलग राज्य बनी थी 2014 में 2014 में हमारे देश से ये अलग राज्य बनी थी तेलंगाना और तेलंगाना किससे अलग होने के बनी थी तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनी थी मतलब आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बनी थी तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखेगा तेलंगाना किससे अलग होके बनी थी आंध्र प्रदेश से और ये सबसे फेमस क्वेश्चन है बिल्कुल याद रखिएगा और ये किससे अलग आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो दोनों की कैपिटल जो है कंबाइंड कैपिटल थी और दोनों का कंबाइंड कैपिटल हैदराबाद है और 10 साल के लिए कंबाइंड दिया गया और अभी अब इसका 10 साल पूरा हो ही जाएगा हालांकि आंध्र प्रदेश की अगर देखा जाए तो इनके नए न्यू कैपिटल के नाम घोषित हो गए और आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल जो है उसका नाम क्या है तो वह है अमरावती तो अमरावती का आपने नाम सुना होगा न्यू कैपिटल वहां की है अमरावती ठीक है तो बिल्कुल आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाई एस आर जगन मोहन रेड्डी वाई एस आर जगन मोहन रेड्डी साहब जो हैं ये कौन है यहाँ के गवर्नर ये सीएम है तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा ठीक है तेलंगाना और सारी चीजें अगर देखा जाए तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हाँ जी सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं बोलेगा हाल ही बताए निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्त वर्ष दो हजार बाईस तेईस दो हजार बाईस तेईस की पहली छमाई में भारत उर्वरकों का काल का सबसे टॉप नंबर का देश बन गया और याद रखिएगा जो सबसे पुराना मित्र पूरे वर्ल्ड का सबसे अगर पुराना मित्र बोला जाता है तो बताइए भारत का सबसे जिगरी जिसको हम बोलते नहीं हमारा नंगोटिया यार है तो बताइए कौन सा देश है जिसे भारत का सबसे जिगरी बोला जाता है जिसके कारण दुनिया एक तरफ पलट गया लेकिन इंडिया कभी यहां पर नहीं पलटा भाई साहब वो कौन है रूस है और रूस याद करिए जब उन्नीस में वॉर हुआ था भारत और पाकिस्तान का जिसमें बांग्लादेश के एक अलग नया देश बन गया था टुकड़ों में बट गया था बांग्लादेश और उसके बाद ये मन की पाकिस्तान बटा था और एक नया देश बना तो 1971 में रशिया ही एक ऐसा देश है जिसने अपनी जंगी जहाज छोड़ दिया था ताकि हम भारत को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उधर सबसे ज्यादा खतरनाक दोस्ती दुश्मनी दोनों करता है अमेरिका और अमेरिका ने उधर से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपने जंगी जहाज छोड़ा था और उधर से रशिया ने छोड़ दिया तो ये मान के चलिए रूस हमारे लिए एक सबसे बेस्ट कंट्री माना जाता है फ्रेंडशिप में चाहे वो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो किसी भी टाइप का व्यापार हो इन सारी चीजों में ये सबसे ज्यादा जाना जाता है अब अगर मैं बात करूं जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान से सुनेगा तो रूस की जब हम बात करते हैं तो रशिया जो है हमारे लिए सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है और खास करके फ्रेंडशिप में और हाल ही में मैंने आपको बोला था कि आरबीआई के द्वारा और रूस और इंडिया, क्या करेगी? तो इंडिया और बाइकॉट तो तो कर दिया तो डॉलर में कोई नहीं होगा। यहां की रूस की करेंसी है रूबल रूबल यहां की करेंसी है तो अब जो है पूरी तरह से व्यापार या तो रूबल में होगा या तो इंडियन करेंसी रूपी में होगा तो भारत की जो करेंसी रुपया है उसमें किया जाएगा और इसीलिए आरबीआई ने अभी दो बैंकों को परमिशन दिया है और ये मैंने कल ही बोला था एच बैंक और एक है कैनरा बैंक एच डी एफ सी बैंक और कैनरा बैंक को परमिशन दिया कि आप जो है रूस में अपनी जो है बिजनेस मतलब स्टार्ट करने के लिए वॉस्ट्रो तो वॉस्ट्रो वहां पर एक अकाउंट एक होता है वॉस्ट्रो अकाउंट हम उसको बोलते हैं कि जब उनका अकाउंट हमारे बैंक में होता है और ये बोस्टो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है तो रूस की अगर हम राजधानी की बात करें तो मॉस्को जो है यहाँ की राजधानी है रूस रूस की रुँस्य की राजधानी मॉस्को है और की अगर हम बात करें तो मोस का नाम सुना होगा तो रोस्कोसमोस रॉस्कोसमोस यहाँ की क्या स्पेस एजेंसी है जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहती है रूसिया रशिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या होता है स्पेस एजेंसी का नाम है रॉस्कोसमोस जिस तरह से भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो उसी तरह रॉस्कोमोस वहाँ की स्पेस एजेंसी है ये देखा जाए तो एरिया वाइज में क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का नंबर वन देश है तो रूस को बोला जाता है एरिया वाइज में मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस क्षेत्रफल में क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है सबसे बड़ा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस जो है इसमें इसलिए बिल्कुल आप याद रखिएगा तो रशिया अपने आप में जाना जाता है उसके बाद साथ में देखो रशिया तो है ही उसके बाद जापान भी आपका एक बहुत जबरदस्त फ्रेंडशिप माना जाता है जापान को और जापान भी हमारे लिए सबसे बेहतर सोचता है सेशन को सभी लोग एक बार लाइक करते जाइएगा जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग जरूर एक बार लाइक करें हाँ जी सेशन को एक बार जरूर सभी लोग लाइक करें और उर्वरक की जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है उर्वरक हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है खास करके जिसमें आपके पास इन सारी चीजों के बारे में दिया जाता है क्लियर है और यूरिया वगैरह जो हम खाद का सप्लाई करते हैं वो यहां पर लेके आते हैं बोला जाता है रसिया से जो इम्पोर्ट किया गया इम्पोर्ट किया गया लगभग तीन सौ इकहत्तर परसेंट तीन सौ इकहत्तर परसेंट जो है वहां से इम्पोर्ट किया गया अब आप समझ सकते हैं कि इतना जब हम इंपोर्ट कर दिए तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा देखा जाता है ठीक है और लगभग बोला जाता कि टू पॉइंट उर्वरक वहां से मंगाए तो अगर मैं इसकी रैंक की बात करूं तो हालांकि भारत का देखा जाए तो यहां पर सबके साथ इसका जो है टाइप है जापान भी है ये सारे हैं लेकिन सबसे ज्यादा दो हजार बाइस तेईस में जो है रशिया जो है बेस्ट सप्लायर बन गया और दूसरे नंबर पर कौन है चाइना तो दो कंट्री है जो हमारे यहाँ सप्लाई करती है एक है चाइना और पहले नंबर पर कौन हो गया और ऐसे भी चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट पर हम बाइकआउट करते हैं तो यहाँ पर शेयर अगर देखा जाए तो अभी सबसे ज्यादा 2022-23 में रसिया का शेयर 22 प्रतिशत हो गया और चाइना का 15 जबकि इक्कीस बाईस में चाइना जो है सैतीस प्रतिशत यहाँ पर भेजता था ठीक है अब आगे की वो बात करते अरबन इब्राहिम अनवर इब्राहिम को अभी किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया तो बताइए किस देश के ये बने तो मैं अर्व, इब्राहिम की बात करूं तो ये मलेशिया के बने तो मलेशिया के ये प्रधानमंत्री बने हैं <सीआ> तो वहां के इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है कहां के मलेशिया के तो याद रखिएगा मलेशिया के ये कौन बने प्रधानमंत्री बने और जब ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बने तो मलेशिया भी बहुत शानदार जगह है आप बिल्कुल घूम सकते हैं टूरिस्ट प्लेस भी है तो लोग जाते भी हैं और सस्ती भी कंट्री है ठीक है तो प्रधानमंत्री वहां के नए नियुक्त किए गए हैं और वो भी देश अभी सबसे ज्यादा इसी पर फोकस करता है ठीक है तो याद रखिएगा अगर मैं इन सारी चीजों के बारे में बोल रहा हूं, तो ये मलेशिया की राजधानी कहां पर है तो वहां के क्वाला लामपुर तो अगर मलेशिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो यह कुआला क्वालामपुर जो है ये यह यहाँ की क्या है राजधानी है और रिंगिट का नाम सुना होगा रिंगिट तो रिंगिट वहां की क्या है ये करेंसी है करेंसी वहां की है रिंगिट यह आपसे जरूर पूछा जाता है कि मलेशिया की राजधानी कहाँ पर है तो भाई सब क्वालामपुर और वहां के नए प्रधानमंत्री चुने गए जिनका नाम है क्या तो अनबर इब्राहिम तो अनबर इब्राहिम साहब मलेशिया के बने हैं और बहुत ही शानदार ये पड़ोसी में ही आते हैं और देखा जाए तो इनकी मेजोरिटी मतलब किंग सुल्तान अब्दुल्ला और ये इनको किसके द्वारा ये बनाया गया तो किंग अब्दुल्ला सुल्तान के द्वारा बनाया गया था ये पहले बहुत ही जबरदस्त और मलेशिया के कितने नंबर के प्रधानमंत्री बने ये टेंथ नंबर के प्रधानमंत्री मलेशिया के बने हैं ठीक है टेक्या? अब अगर हम बात करें तो रिसेंट में कहा के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने हैं। तो हमने बोला था कजाकिस्तान तो कजाकिस्तान के अभी दो दिन पहले प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम क्या है कश्यम जो मार्ट के नाम से और पहली महिला फीमेल जो प्रेसिडेंट बनी है सोमालिया और स्लोवेनिया के वो नता, नताशा नशाता मुशार नताशा तिक मुशार जो ये बनी है कहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट बने और न्यू प्रधानमंत्री जो आ, इजराइल के अभी बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू और बन्जा... आपने देखा होगा पहले नफ्ताली थे बेंजामिन नफ्ताली थे और उनको हटाकर एक नए इजराइल के फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए वह है बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी जी के बहुत जबरदस्त भक्त हैं दोनों इजराइल को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है कंट्री में मतलब बोला जाता है इनसे कम से कम पचपन कंट्री दुनिया के ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा डरते हैं मतलब यहाँ पर देखा जाए दस साल का बच्चा भी यहाँ पर सेना का ट्रेनिंग लेता है और ये देखा जाए तो पूरी रडार एंटी इनकी टेक्नोलॉजी इतना फास्ट होती है कि यहाँ पर पानी के कमी होने की वजह से तो सिरि नुमा मतलब छत नुमा टाइप का ये खेती बाड़ी करते हैं अब सोचिए कि इतना जबरदस्त और समृद्ध देश है कि आज दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करता है तो जेरूसलम यहाँ की क्या है राजधानी है किसकी इसराइल की और इसराइल एक बहुत ही जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेशन माना जाता है खास करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इसका सबसे ज्यादा देखा जाए मुसाद यहाँ का नाम सुना होगा मुसाद ये सबसे ज्यादा फेमस है इसराइल का ठीक है तो उसके बाद प्रेसिडेंट अगर ब्राजील की बात करें हमारा तो लूला दिसवा लूजिंग इनिया को लूला दिल्वा ये कौन है ये वहां के ब्राजील के प्रेसिडेंट है स्वीडन के कौन है उल्फ किर्गिस्तान ये कहां के हैं उसके इराक के अब्दुल लतीफ राशिद और ऋषि सुनक अभी का भी कहां के बने हैं, तो ब्रिटेन के बने तो ब्रिटेन के जो पीएम बने वो हैं ऋषि सुनक तो ऋषि सुनक का भी आप नाम याद रखिएगा देखिए जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं अगर बैंक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो तीन महीने महीने का हम आपको रूप आप मित्र, मित्र में क्षय तो रोग जिसको आप बोलते हो टीबी टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं और इसी को हम लोग क्षय रोग भी बोलते हैं तो निक्षय के लिए इनको एक कैंपेन के लिए सको बनाया गया है एम्बेसडर तो वो बनाया गया है भाई साहब दीपा मलिक और दीपा मलिक को अभी टीबी मुक्त भारत का एक अभियान चल रहा है और आपने देखा होगा कि कहो भारत जो है अभी टीबी मुक्त जो है पूरी तरह से इसके ऊपर काम कर रहा और इसलिए टीबी मुक्त भारत के लिए ये अभी सबसे ज्यादा इनको नियुक्त किया गया दीपा मलिक को और दीपा मलिक कौन है तो पैरा ओलंपिक एथलीट है जिन्होंने मेडल भी जीता था दीपा मलिक और इनको अभी जो है टीबी मुक्त भारत अभियान का इनको बनाया गया टीबी मुक्त तो मुक्त भारत अभियान टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इनके तहत बनाया गया ठीक है और हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इनको बनाया गया हेल्थ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा कैंपेन है जिसके तहत ये चलाया गया है तो भारत जो है टीवी मुक्त कब तक हो जाएगा 2025 तक ये आपसे पूछा जाता है कि भारत टीबी मुक्त कब तक हो जाएगा 2025 तक भारत दुनिया का ऐसा देश होगा जो पूरी तरह से टीबी मुक्त हो चुका होगा ठीक है सेशन को सभी लोग एक बार जरूर लाइक करें जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार जरूर लाइक करें तो एम्बेसडर के रूप में अगर हम बात करें तो अभी ताजा ताजा एम्बेसडर अरबन गबरू का किसे बनाया गया है तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसिडर बनाया गया कहां स्विट्जरलैंड का उसके बाद लियोन मेसी जो अभी वर्ल्ड कप आपने देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप कतर यानी दोहा में चल रहा है तो दोहा में जो कतर में जो चल रहा है लियोन मेसी ये बाइजूस बाइजूस के कौन बने हैं इनको ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया बाइजूस के युवराज सिंह को टी वर्ल्ड कप जो है ब्लाइंड के लिए उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सौरभ गांगली को बंधन बैंक का बनाया गया बंधन बैंक ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है 2015 में इसको लाइसेंस दिया गया स्मृति मंदाना ये क्रिकेट प्लेयर हैं जिनको गल्फ लुब्रिकेंट के बनाए गए रोहित शर्मा और उनकी वाइफ को मैक्स लाइफ ने मनाया और किच्चा सुदीप को कहां पर बनाया गया कर्नाटका के इनको ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया तो ये आप जरूर अपने कॉपी में इसको नोट कर लिया करें क्योंकि तो एक क्वेश्चन आपके पास ब्रांड एम्बेसिडर पुरस्कार इंपॉर्टेंट डेट ये तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में फिक्स होता है और खास करके इसमें तो ये सारी चीजें आपसे पूछा ही पूछा जाता है ठीक है सेशन को सभी लोग एक बार जरूर लाइक करिए जितने भी लोग देख रहे हैं ठीक है सेशन को सभी लोग लाइक करते जाएगा हां जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग अगला बोला गया कि बताइए हाल ही में फिफ्थ वर्ल्ड कप में पांचवी मतलब फिफ्थ वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए तो पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए भाई साहब तो ये सबसे ज्यादा फेमस है कि पांचवे जो स्कोरर की बात करें तो उसमें बन गए रोनाल्डो तो रोनाल्डो जो है ये बन गए पहले प्लेयर और पांचवी गोल लगाने वाले मतलब सीधी सी बात है अभी ये कहाँ और ये कतर और कतर कहाँ पर दोहा दोहा में अभी हमारा फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है फीफा जिसका आयोजन कहा किया जा रहा है कतर में किया जा रहा है तो ठीक है हाँ जी सभी को राम राम सभी को राम राम इसलिए आपको अच्छे से, से सेशन आपको रोज देखना है ठीक है और इसी पर हम लोग लेके चलते हैं क्लियर है सबको तो जब भी हम फीफा की बात करते हैं तो फीफा पर पूरा रिसर्च कर सकते हैं हम लोग और फीफा की जब हम बात करें तो पहली बार देखा जाए तो 1904 में इसका आयोजन किया गया था फीफा का आयोजन कब किया गया था फुटबॉल बोलते हैं ना फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोलते हैं फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन और ये बनाया गया था 1904 में 1904 में पहली बार इसकी स्थापना होती है और स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा तो स्विट्जरलैंड की एक जगह का नाम है जूरिक तो जूरिक में इसकी क्या है हेडक्वार्टर है तो यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है किसका फीफा का और अगर कोई बोल दे आईसीसी सी सी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो आईसीसी सी सी का हेडक्वार्टर है दुबई में 1904 में फीफा आया था और 1909 में आपके पास कौन आए थे तो आईसीसी आया था 1909 में और 1909 में आपके पास आईसीसी आई थी तो दोनों का बिल्कुल सबसे ज्यादा तालमेल है लगभग एक साल पुराना जो है मतलब ये पूरा बोला जाता है स्पेशल स्पोर्ट्स माना जाता है और लगभग बोला जाता है कि अगर हम बात करें तो फीफा जो एक सबसे ज्यादा महंगे खेलों में भी सुमार होता है जिनके एक पेप्सी का इधर सुधर हटाने में भी पता चला पूरी कंपनी की मार्केट ही डाउन हो जाता है शेयर मार्केट पर असर पड़ जाता ठीक है तो रोनाल्डो जो है पूरी तरह से फेमस है इसके लिए और क्रिस्टीलियनो रोनाल्डो जो अभी हमने बोला था कि ये इतना ज्यादा चर्चे में क्यों है क्योंकि तो फीफा के लिए माना जाता है जो ये गेम होता है ये अपने आप में सबसे ज्यादा पावरफुल गेम होते हैं ठीक है चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं अगला पूछा गया भाई साहब की बताइए अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने कौन सा देश 2023 से 25 देखो, 25 देखो यहां लिख लो 2023 से 25 कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन मतलब आईईसी भाई साहब इले, अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन जो एक बहुत बड़े लेवल का कमीशन होता है उसके उपाध्यक्ष और तथा सामरिक प्रबंध बोर्ड जिसको हम बोलते हैं एस एम बी एस एम बी का मतलब होता है भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का इनको अध्यक्ष चुना गया अब इनके बोर्ड का जो अध्यक्ष चुना गया है भाई साहब किनको चुना गया है तो आईईसी और आईसी की जब हम बात करते हैं तो 2023 से 25 के बीच में जो चुना गया वो किनको चुना गया भारत को और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का जो कद है जो योगदान है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि भारत जी ट्वेंटी सम्मेलन पहली बार आयोजन करेगा और जी ट्वेंटी सम्मेलन का आयोजन जो है इंडिया फर्स्ट टाइम करने जा रहा और पहली बार जी ट्वेंटी सम्मेलन का आयोजन करेगा जिसमें लगभग बोला जाता उन्नीस प्लस एक यूरोपियन यूनियन 20 कंट्री जो है अगले साल 2023 में कहाँ पहुंचेंगे भारत पहुंचेंगे और इसकी मेजबानी किसके पास है भारत के पास है और देखा जाए तो बोला जाता तेईस साल में पहली बार ऐसा होगा जब भारत इसको प्रेजेंट करेगा जो अलग अलग 20 जगह के मतलब 20 प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं एक यूरोपियन यूनियन होता है जिनके महासंघ के कोई भी एक अध्यक्ष पर जुड़ते हैं ठीक है तो बिल्कुल याद रखेगा जी ट्वेंटी का सम्मेलन और उसके बाद IEC ई एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह ये सब का जब हम बढ़ावा देते हैं जैसे मान लो भारत अभी सबसे ज्यादा बढ़ावा किसके ऊपर दे रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू ये क्या करता है जो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहे जहां पर डीजल और इसके कारण हमारे पर्यावरण पर जो इफेक्ट पड़ रहा है और यहाँ पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे के कहती है आप तो ई विकल लीजिए हम आपको सब्सिडीज देंगे इसका मतलब ये हुआ कि भारत का लक्ष्य है कार्बन इमिशन मुक्त मतलब कार्बन उत्सर्जन यहाँ जीरो करना और यही कारण है कि इंडिया जो अब जो काम कर रही है वो पूरी तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल पे काम कर रही है और जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा प्रमोशन मिलता है और इसीलिए अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भारत एक सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है और इसी को प्रमोशन देने के लिए इनको वाइस क्या मिल गया वाइस प्रेसिडेंसी मिल गया ठीक है और विमल महेंद्रू जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट बने विमल महेंद्रू तो याद रखिएगा ये नाम बहुत फेमस है विमल महेंद्रू इनका नाम याद रखेगा तो विमल महेंद्रू हैं जो इनके नाम के लिए ये सबसे ज्यादा चर्चे हैं इनका टर्म होगा 2023 से 25 के बीच में ठीक है क्लियर है तो वाइस प्रेसिडेंट भारत करेगा किसका तो खास इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्नो टेक्निकल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का और इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता सेशन को सभी लोग एक बार लाइक जरूर करते जाइएगा जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर करिए हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रदीप शुक्ला जी सभी को गुड मॉर्निंग मऊगंज से ये मौगंज कहां पे पड़ता कहां हाँ हां गुड मॉर्निंग रीवा से धीरेन्द्र जी आप तो गाय भी हो जाते हैं कभी कभी आप दिख जाते हैं चलिए अच्छा कम से कम दिख तो जाते हैं अब पेपर है और दिखना भी जरूरी है क्योंकि दिखेंगे नहीं तो पेपर कहाँ से हमारा इधर उधर तहस नहस होगा तो तहस नहस अगर एग्जाम के ऊपर बुलडोजर चलाना है तो बुलडोजर जैसा तो मेहनत भी करने पड़ेंगे ना बिल्कुल तो हाँ जी क्लियर है सबको अब मैंने एक छोटा सा कि रैपिड फायर चला दिया कि चलो वर्ल्ड बैंक में अभी बताइए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत मुडी के अकॉर्डिंग दिया गया किसके अनुसार तो आरबीआई के अनुसार ग्रोथ सात प्रतिशत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी दिया गया रिपोर्ट कितने प्रतिशत सात प्रतिशत तो याद रखिएगा तीन हमारे यहाँ रेटिंग एजेंसी है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो ये कहां पर है भाई साहब वाशिंगटन डीसी में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है मूडीज कहां पर है भाई साहब तो ये न्यूयॉर्क की रेटिंग एजेंसी है और स्टैंडर्ड एंड पुअर का भी मुख्यालय कहां पर है तो ये न्यूयॉर्क में अगर इसकी भी अगर पूछ लिया जाए आई का तो ये भी वाशिंगटन डीसी में है याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी सब अमेरिका में ही है एडीबी का हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो भाई साहब ये मनीला मनीला किसकी राजधानी फिलीपींस की तो मनीला में इसका मुख्यालय और आरबीआई का मुख्यालय इंडिया में कहा मुंबई में तो मुंबई में इंडिया रेटिंग एजेंसी का भी मुख्यालय सबका मुंबई में रहता ठीक है तो ये जरूर आप लोग एक बार याद रखिएगा और सेशन को लाइक करते जाएगा हाँ जी गुड मॉर्निंग आशीष जी भूरेलाल जी सभी को गुड मॉर्निंग बोला गया हर साल बताइए महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो हर साल महिलाओं के हिंसा को रोकने के लिए ये उन्मूलन दिवस हम लोग कम मनाते हैं तो महिलाओं के हिंसा के खिलाफ जो हम लोग उन्मूलन दिवस मनाते हैं हर साल वो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ नवंबर हर साल पच्चीस नवंबर को हम लोग हिंसा जो खिलाफ मतलब महिलाओं के हिंसा के खिलाफ जो है सबसे बड़ा उन्मूलन चलाया गया था जिसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको रिकॉग्नाइज किया गया था और पहली बार 1993 से इसको पूरी तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हालांकि यूनाइटेड नेशन जब हम जनरल असेंबली की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये पूरा अपने ऊपर लेके काम करता है क्लियर है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बोला गया बताइए तक बहादुर कि शहीदी दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं हम लोग तो चौबीस नवंबर को मनाते हैं याद रखिएगा तेग बहादुर और हम रैपिड फायर ऑलरेडी खेल चुके हैं बट फिर भी अभी हाल ही में बताइए भारत में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया पूर्णिमा देवी बर्मन मैं क्या करूंगा पर डे अब आपके नए नए जो हमारा होगा उन सारी चीजों पर हम डिस्कशन पर डे करेंगे ठीक है जो भी चीजें हमारे यहाँ घटनाएं घटेगी मैं रोज आपको फायर करा दूंगा और और आखिरी 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 महीने का हम करेंगे और में सारे क्वेश्चन जैसे नवंबर चल रहा है तो नवंबर से तो हम एक भी क्वेश्चन आपका टूटने नहीं देंगे सारे क्वेश्चन पर हम आपको प्रिपरेशन करा देंगे ठीक है उसी तरह भी बताइए हाल ही में इफी दो इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया जो फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में मनाया जा रहा है इसके बेस्ट पर्सनालिटी किसको दिया गया है तो तिरंजीवी आप लोग फटाफट फड़ इसके आंसर तो जानते ही हैं उसके बाद अभी हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो जामर जो मार्ट जो है इसके प्रेसिडेंट बने है। उसके बाद किस देश के सांसद भारत के साथ मुफ्त व्यापार करेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के सांसद जो है भारत के साथ मुफ्त व्यापार करेगा और ये मैंने आपको बताया भारत का एकीकृत अग्निशक्ति मिसाइल शत्रुनाश तो शत्रुनाश का आयोजन कहाँ हो रहा है तो ये शत्रुनाश का आयोजन हो रहा है राजस्थान में और युद्ध अभ्यास कहाँ होगा तो उत्तराखंड देखो उत्तराखंड और राजस्थान कंफ्यूज मत होना राजस्थान में हम शत्रु अभ्यास कर रहे हैं और उत्तराखंड में हम क्या कर रहे हैं युद्ध अभ्यास तो युद्ध अभ्यास शत्रुनाश दोनों में अंतर है ठीक है तो आज का सेशन को आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर करते जाएगा ठीक है अगला हमसे पूछा गया कि बताइए कि किस फोरम ने गरीब देशों को समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति के लिए अपना एक फंड डेवलप किया है और वो फंड कौन सा है कोप 27 जो अभी इजिप्ट में जा रहा नंबर का और वहीं पर इसका डिस्कशन किया गया कि हम इसके लिए फॉरम तैयार करेंगे हाँ जी सभी लोग पहले सेशन को एक बार लाइक करते जाइएगा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग देख रहे हैं आप रोज आइए गारंटी है कि हम सारी चीजें हम आपको पूरा करा देंगे ठीक है तो आज का सेशन कैसा रहा बिल्कुल बताएगा कल से हो सकता है पांच दस मिनट हम और पहले आ जाएंगे और डेली क्लास आपका समय पर लगेगा तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा तो आज फिर से हमारा कंप्यूटर छह बजे रहेगा सभी लोग तैयार रहना प्रबंधन आपका फिर आज आठ बजे रहेगा इसके लिए भी तैयार रहिएगा और रीजनिंग का मैं आपको शेड्यूल जारी करूंगा थोड़े से टाइम की कमी के कारण मैं रीजनिंग लेके नहीं आ पा रहा हूं इसकी भी मैं आपको करूंगा उसके बाद हिंदी आपके पास डेली नौ बजे आएगा उसके बाद अगर हम अट्ठाईस उनतीस नंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मतलब कल से कल से जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आइए इसमें और स्पेशल मैथ की क्लासेस आपके सात बजे से स्टार्ट होंगे ठीक है तो आज का सेशन कैसा रहा बिल्कुल सभी लोग बताइएगा और हमारा ऑनलाइन भी बैचेज चल रहे हैं सभी लोग वहां पर भी देखें जाते-जाते सभी लोग सेशन को बहुत लाइक भी करते जाइएगा हां जी कैसा रहा आज का सेशन चलिए अच्छा रहा अच्छी बात है इसी तरह कमेंट भी आप लोग करते जाइएगा जिस रफ्तार में हम मेहनत कर रहे हैं कि सिलेक्शन तो हम लेके रहेंगे ठीक है इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जय हिंद जय भारत धन्यवाद